ये पहला ऐसा शो है जो इंडियन टेलीविजन की इतिहास में होने वाला है। इंडिया बनेगा मंच, कोई स्टूडियो नहीं है, कोई जजेस नहीं है, कोई वोटिंग लाइन नहीं है। हम लोग एक्चुअली बाहर स्ट्रीट पर अपना मंच लगा रहे हैं और जो भी टैलेंट बाज अपने टैलेंट के दम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोकेगा वही बनेगा हमारा अल्टीमेट टैलेंट बाज। हमारे लिए चैलेंजिंग था और बहुत ज़्यादा फन भी था क्योंकि दिल्ली में, कोलकाता में हमने ऐसी ऐसी लोकेशंस पर शूट किया है जहाँ पर पहले कभी शूट नहीं हुई है फॉर अ टैलेंट शो। हम लोग इंडिया गेट गए, लाल किला गए, न्यू मार्केट जो सबसे पुरानी मार्केट है कैलकटा की, वो हमारे शो का जोक बन गया था कि 130 साल पुरानी मार्केट जो है उसका नाम है न्यू मार्केट। कृष्णा और मैंने खूब मस्ती की, एक दूसरे को चैलेंज दिया कि सड़क के बीच में जाओ और सबके सामने डांस करो। तो इट वाज क्वाइट नर्व रेकिंग, बहुत नर्वस हो गए थे हम लोग सब, लेकिन इतना मज़ा आया जो मैंने पहले कभी किसी रियलिटी शो में एक्सपीरियंस नहीं किया वो मैंने यहाँ पर किया। Rolling up on this spot, 'cause this spot's a hot spot up on this block. All my people just be rolling up on this spot. पहली बार हम लोग एक ऐसा डिग्निटी वाला और एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यूनिक, लार्जर देन लाइफ, एक हमारे लिए हम एक बाहुबली 800 करोड़ की पिक्चर की तरह एक 800 करोड़ का टीवी शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है इंडिया बनेगा मंच। टैलेंट चलेगा तो इंडिया रुकेगा, तो ये टैलेंट जो है ये स्ट्रीट्स पर परफॉर्म कर रहा है। देखिए स्ट्रीट का जो परफॉर्मेंस का जो सिस्टम है ना, ये अब्रॉड में है जहाँ पर स्ट्रीट के ऊपर लोग परफॉर्म करते हैं और लोग तालियां बजाते हैं और उसको इन्जॉय करते हैं। इंडिया में अगर कोई स्ट्रीट पे गाना गाए या स्ट्रीट पे परफॉर्म करे तो लोग चिल्लर डाल के चले जाएंगे, तो वो स्ट्रीट परफॉर्मेंस का कल्चर नहीं है इंडिया में। तो इस शो से वो हम लेकर आएंगे। आप लोगों ने बहुत सारे रियलिटी शोज़ देखे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे जजेस के कमेंट सुन लिए हैं, अब जो है इंडिया जो है वो जज है, वही खड़ी होके बताएगी कि टैलेंट बाज कितना टैलेंटेड है।